Let's welcome Naseem Salmani and Virendra Verma from Vega Professionals. तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक आ नहीं जाते आर्टिस्ट स्टेज पे. कैसा का है मुंबई? मजा मा. ओके, सो गुड इवनिंग गाइस. यस सर. पहले आप. सो हाय मुंबई. सो मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है और मैं एजुकेशन हेड हूँ वेगा प्रोफेशनल के साथ में. और आज हम लोग आपके सामने कुछ हेयर कटिंग टेक्निक के बारे में, कुछ बारीकी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन मेल हेयर कट एज वेल एज वन फीमेल हेयर कट. सो मिस्टर नसीम सलमानी विल परफॉर्म फीमेल हेयर कट एंड आई विल डू. थैंक यू. ओके, सो आई थिंक मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुंबई में आई थिंक मुझे कोई नहीं जानता. ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. ओके, फिर भी इंट्रोडक्शन देना तो सबसे पहला फ़र्ज है. जो कि नहीं जानते वो भी जान जाए ताकि मज़ा आए और भी देखने में और भी सीखने में और भी अपनी चीज़ें शेयर करने में. तो मेरा नाम है नसीम और मैं हूँ दिल्ली से और आई एम ए कह सकते हो गुड हेयर ड्रेसर, गुड बार्बर एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो एंड गुड डांसर ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पर आज आपके सामने वेगा प्रोफेशनल के अमेजिंग टूल्स के साथ में हम हेयर कट की कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे जो कि रेगुलर बेसिस पे आप लोग करते हैं. हेयर कट को और कितना इजी हम बना सकते हैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे. आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को पसंद भी आएगी और इन्जॉय करते हुए आपको हेयर कट करना भी है क्योंकि काम हम सभी बहुत अच्छा करते हैं. हो सकता है कि हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वो प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा यूनिक होना चाहिए. ठीक है, एक चीज़ होती है कि प्रोटोकॉल के तहत चलना, एक होती है प्रोटोकॉल को तोड़ के आगे बढ़ना. तो वहाँ पे हम नोटिसेबल होते हैं तो उस चीज़ को देखते हुए तभी हम अपने सोशल मीडिया पे, कितने लोग मेरे को यहाँ पर जानते हैं? सोशल मीडिया से जानते हो ना, तो सोशल मीडिया में तो करोड़ों लोग हैं. तो ऐसी अलग चीज़ क्या है जो आप लोग मुझे जानते हो? काम भी बहुत अच्छा करते हैं लोग, ठीक है, कलरिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत से करते हैं, लेकिन वो इतना फेमस या इतना नॉन पर्सनैलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ उनका प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा फॉर्मल सा है. तो आज ये चीज़ें देखनी है. एक तो उल्टे सीधे कपड़े पहनने हैं जाकि लुक एंड फील आ जाए, राइट, और दूसरा काउंसलिंग एंड तीसरा काम एंड तीसरी प्रेजेंटेशन कि उसको कितने इंजॉय करके हम हेयर कट करते हैं. तो आर यू एक्साइटेड? नहीं, आवाज़ नहीं आई. नहीं, आवाज़ नहीं आई. थोड़ी सी और आवाज़ उधर से आनी चाहिए. वेरी गुड, अब उधर से आवाज़ आई है तो ठीक है, राइट. ओके, माई मॉडल प्लीज ले आओ ट्रॉली. तो बेसिकली हर साल मैं करता था मेंस हेयर कट आप लोगों के सामने. इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं फीमेल हेयर कट आप लोगों के साथ करूं. ठीक है, फीमेल भी करते हैं. ओके, तो शी इज माय मॉडल. व्हाट्स योर नेम? शिवांगी. ओके, राइट. तो शिवांगी के जो हेयर है एंड फेस है, ऑब्वियसली बात है काफ़ी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है. अब मैं ये चश्मा उतार देता हूँ क्योंकि ये शाहरुख खान बनने का टाइम नहीं है, प्रोफेसर बनने का टाइम है. ठीक है, उतार देते इधर. ओके, तो हेयर कट करने से पहले हमें क्लाइंट का, जब क्लाइंट हमारे सलून पे आती है तो क्या हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम आज इसको स्क्वायर हेयर कट देंगे या फिर हम इसको वुल्फ हेयर कट देंगे या फिर हम इसको फेदर हेयर कट देंगे? ऐसा होता है नहीं ना. जब हम क्लाइंट हमारी चेयर पे बैठते हैं, हम उनके बालों को एनालाइज करते हैं, उनका फेस देखते हैं, उनके जॉब प्रोफाइल देखते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें उनको कैसा हेयर कट करना है. एंड सेकेंड थिंग, कि हमें उनका वेट रिड्यूस करना है या वेट को मेंटेन रखना है, बिल्ड करना है, राइट. ये चीज़ें होती है और यही कुछ चीज़ें होती है सिंपल सी जहाँ पे हम अच्छे से हेयर कट क्रिएट करते हैं. और हेयर कट कभी भी स्क्वायर लेयर, राउंड लेयर, वन लेंथ, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, मेरा मानना है कि ये तीन चार हेयर कट है, इसको ही मिला के हम सैकड़ों हेयर कट बनाते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट. अगर मैं ये हेयर कट करूँगा तो इस हेयर कट का नाम क्या होगा? या तो नसीम हेयर कट होगा या फिर शिवानगी हेयर कट होगा, क्योंकि किया मैंने है और क्रिएट इनके ऊपर किया है. कोई भी पूछते ना भाई स्टेप हेयर कट करना है, चार स्टेप देना, तीन स्टेप, ऐसा होता है क्या? तीन चार स्टेप होते हैं कभी भी? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले एक रील आई थी जिसमें एक चॉप इधर मारा, एक चॉप इधर मारा, तो वो शायद कह सकते हैं कि दो स्टेप है या तीन स्टेप है. सो दैट रील इज वायरल, राइट. मुझे लगता है कि जब तक हम उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं करते, यानी कि कुछ मैथड है कि लॉन्गेस्ट लेंथ एंड शॉर्टेस्ट लेंथ,
अक्सर बॉयज़ में देखते हैं, बॉयज़ में फ्रंट पे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है, साइड में शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, गर्ल्स में बैक पे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है, फ्रंट पे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है अक्सर मैक्सिमम, बिकॉज फॉरवर्ड ग्रेजुएशन सारे ही मैक्सिमम रखते हैं, वन लेंथ तो किसी के मिलते नहीं है। थर्ड आ जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब शॉर्टर और लॉन्गर लेंथ को कनेक्ट करना, यानी कि अगर हम कनेक्ट नहीं करते तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या होता, हमारे हेयर कट में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, राइट। एंड फोर्थ और फिफ्थ आप लोग बताएंगे, क्योंकि उसके बाद आपको मिलने वाला है बहुत अच्छा अमेजिंग 16 प्रो मैक्स की फोटो। एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। यस वीरेन जी, प्रिंटिंग करा लिया हम लोगों ने उसका। हाँ, सो मैं यहाँ पर मलेट कट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने बालों को कुछ फ्रंट पार्ट को कुछ आइसोलेट किया है, एंड मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ज़्यादा काम करूँगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बैक, बैक और टॉप को हम थोड़ा लंबाई रखने वाले हैं, जैसे कि मलेट का ब्यूटी होता है। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर 2 नंबर अटैचमेंट के साथ में, और मैं यूज़ कर रहा हूँ वेगा प्रोफेशनल का एक बहुत ही प्यारा टूल जिसका नाम है प्रो स्टार प्लस, और ये आता है एक मल्टीपल RPM सेटिंग के साथ में, जो कि आपको बहुत वर्सेटाइल काम करने में हेल्प करता है। मीन्स आप यहाँ पर अलग अलग तरीके के RPMs को यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। ओके, सो मैंने प्रोफाइल सेक्शन लिया है, और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि ये सेक्शन मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है या मैंने वर्टिकल लिया है या मैंने डायगोनल लिया, ऐसा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, राइट। तो इजीली वे मैंने क्या बोला, प्रोटोकॉल से तोड़ के हमें हेयर कट करना है। तो ये नहीं कि हमें सीधे, हम मैंने एक प्रोफाइल सेक्शन निकाला, देन मैंने वर्टिकल लिया, देन मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, और मैंने 90 डिग्री आप उसको क्लब किया, नथिंग। आपको देखना है मेरा बॉडी लैंग्वेज एंड वे ऑफ हेयर कट, राइट। क्या देखना है, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जब मैं लंदन गया था मुझे इंग्लिश बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी, और मैं लंदन कोर्स करने चला गया वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने उनकी बातें नहीं सुनी, मैंने क्या देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कि किस एंगल पे कट कर रही है, मुझे पता है, और ये सब आपको पता है। तो जब मैं करूँगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आप लोगों को सबको पहले से पता होगी, बट कितना एलिवेट करना है, कितना डाउन रखना है, वो चीज़ें नोटिस करनी है, राइट। मैंने फ्रंट से दोनों पार्ट आइसोलेट कर दिए। मेन गेम क्या है, मेरे को वेट पीछे बहुत ज़्यादा है तो मुझे इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या होगा, एलिवेट करेंगे, राइट। और एलिवेट कैसे करेंगे ये आप लोग चीज़ देखेंगे। आई एम यूजिंग वेगा प्रोफेशनल की वाइट कॉम्ब, कार्बन कॉम्ब एंड टाइटेनियम ब्लैक सीजर। सीजर का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर स्लाइडिंग ठीक से नहीं हुई तो चॉप हो सकते हैं, और चॉप हो गए तो वहाँ पे एक बंच पड़ जाएगा। और इस हेयर कट की खासियत ये है कि ये पूरा हेयर कट एक ही डायरेक्शन पे और एक ही बॉडी लैंग्वेज पे, एक ही साइड से पूरा हेयर कट होगा, हमें इसमें साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम करेंगे भी तो हो भी नहीं पाएगा। स्टार्ट फॉर हेयर, लेंथ को मेंटेन रखना है, रिक्वायरमेंट यही होती है मोस्टली गर्ल्स की कि लेंथ शॉर्ट ना हो और चेंज हो जाए। इस हेयर कट का नाम मैंने अपनी तरफ से रख रखा है टेक ऑफ और लैंडिंग। कौन सा हेयर कट, बहुत ज़्यादा फ्लाइंग कर रहा हूँ ना, मेरे पैर में 5-6 तिल आ गए हैं, तो मैंने कहा इसी पे कुछ हेयर कट निकाल देते हैं कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ्लाइट टेक ऑफ कैसे करती है, तो उसी तरीके से हमें अपना हेयर कट को फॉलो करना गाइडलाइन, किस तरीके से फर्स्ट सेक्शन में हम क्रिएट करेंगे। लेंथ हमें यहाँ पर नज़र आ जाती है कि ये मैक्सिमम लेंथ है, इसको शॉर्ट नहीं करना, यही हमारे क्लाइंट की तरफ से हमारी कमिटमेंट होती है दिखाने के बाद कि ये लेंथ है आपकी, इससे शॉर्ट बिल्कुल नहीं होगी। ओके, अब क्या होगा, हमें जिस तरीके से इनका स्क्वायर फेस शेप है तो हमें वॉल्यूम देना है, इनके बाउंस ही देना है, और लेंथ को मेंटेन रखना है। ओके, ये पूरा सेक्शन मैंने लिया अपने वेगा प्रोफेशनल की कार्बन कॉम्ब वाइट कॉम्ब। आप लोगों को पता ही है वाइट कॉम्ब क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बाल ईजिली दिख जाए। ओके, यहाँ पर इस डिपेंड कि हमारे बालों का टेक्सचर फाइन है, वेवी है, या नॉर्मली कर्ली है, इस डिपेंड। अगर फाइन बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत शॉर्ट तक ले सकते हैं, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाएंगे। अगर वेवी और कर्ली ज़्यादा हुए तो हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा लॉन्ग रख के उसको स्लाइड करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड, मज़ा आ रहा है सुनने में या मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ भी रही है ना सबको, बिल्कुल। ओके, स्टार्ट फॉर हेयर। अगर मैं यहाँ से अपनी गाइड बनाता हूँ तो पहले मैं जज करूँगा कि मेरी फर्स्ट लेंथ कहाँ पर आएगी, तो हमारी बैक ऑफ द इस पे आ रही है। एंड देन स्टार्ट, चॉप नहीं करना, जस्ट स्लाइडिंग, एंड मेरी मैक्सिमम लेंथ रिड्यूस हो रही है, और लेंथ को मैं मेंटेन रख रहा हूँ, क्योंकि जो कट नहीं रहा वो नीचे ऑलरेडी वो गिर रहा है। तो ये हमारी लेंथ है, अपनी क्लाइंट को कभी भी मत दिखाना ऐसे, क्योंकि उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, क्योंकि हमने उनसे प्रॉमिस करा है कि लेंथ मेंटेन रखेंगे और हम उसको ऐसे दिखाएंगे, तो बिल्कुल नहीं दिखाना ऐसे, ठीक है। ओके,
राइट। तो यहाँ पर जब हमने पहला कट किया स्लाइडिंग, तो यहाँ पे लॉट ऑफ मूवमेंट, लॉट ऑफ लेयरिंग, जिसे बोलते हैं हम मल्टीपल लेयरिंग, ठीक है। वॉल्यूम तभी आएगा जब हम ऊपर से क्राउन से वेट को रिड्यूस करेंगे। यस वीरेन जी। यस सर। अब आपकी बारी। तो मैं साइड ऑलमोस्ट डन है मेरा, मैंने एक पेडिंग इफेक्ट के साथ में सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के अंदर में काम किया है। ओके, लेट मी क्लीन दिस। तो नेक्स्ट गाइडलाइन मेरे को शो हो जाएगी, उससे पहले मैं सीजर को नहीं चॉप करूंगा। गाइडलाइन शो हो गई, देन स्टार्ट ऑफ हियर। एंड मैं अपनी सीजर को पूरी क्लब नहीं कर रहा हूँ, बस हल्का हल्का स्लाइडिंग, जस्ट हल्का मूव। ओके, अगेन नेक्स्ट सेक्शन बैक टू बैक रहेगा और मोबाइल गाइडलाइन रहेगी, ताकि बाल हर तरीके से इक्वली रहे। ओवर डायरेक्ट हम नहीं करेंगे इसमें, ओवर डायरेक्ट हम करेंगे फ्रंट पे, क्योंकि हमें फ्रंट पे लेंथ को भी और मेंटेन चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि मैं एक ही साइड से हेयर कट कर रहा हूँ, और दूसरी साइड पे जब आऊँगा तो वहाँ पे भी मेरी बॉडी लैंग्वेज सेम ही रहेगी। और क्विकली आई थिंक मुझे लगता है कि 5 to 10 minutes में आप ये हेयर कट ईजिली कर सकते हो, और 5 to 10 minutes में हेयर कट करने का मतलब है आपने टाइम सेव किया, और टाइम इज मनी। मनी तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन तब जब आपके क्लाइंट का आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट हो तब। अगर फर्स्ट टाइम आपके पास क्लाइंट आई है और आपको जानते नहीं है, कभी भी ये हेयर कट 5-10 मिनट में मत करना। वो कहेंगे हो गया, आपने 2000 रुपये ले लिए, 5 मिनट में कौन हेयर कट कर देता है, राइट। मैं क्या बेवकूफ दिख रही हूँ, आधा एक घंटा लगता है। लेकिन हम उसका हेयर कट कर सकते हैं जिनका पता है कि नसीम जी आपको तो 5 ही मिनट लगेंगे ना हेयर कट करने में, प्लीज़ कर दो। तो उसका पहले से माइंड प्रिपेयर है कि मैं 5 मिनट में भी हेयर कट कर सकता हूँ, तभी उन क्लाइंट पे करना, राइट। और ट्राई ज़रूर करना। अगेन पाई सेक्शनिंग, जैसे खरबूजे की लाइनिंग होती है उसी तरीके से पाई सेक्शनिंग ले रहा हूँ पूरा। अगेन इधर गाइडलाइन शो करती है मेरे को, देन उसके बाद ही आई चॉप, राइट। अब यहाँ पर वन साइडेड मेरा हेयर कट ऑलमोस्ट डन है, तो मैं अपने सारे बाल फ्रंट पे लाके अपने क्लाइंट को दिखाता हूँ कि एक साइड मैंने कट कर चुका हूँ और दूसरी साइड मैंने अभी नहीं किया। तो लेंथ आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंट पूरा हो चुका है कि आपने मेरी लेंथ शॉर्ट नहीं की, भले ही जितने मर्जी मेरे को चॉप करके बाल निकाले, तो लेंथ मेंटेन रखिए, क्योंकि हमने उनसे पहले ही प्रॉमिस किया था आई विल मेंटेन योर लेंथ। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। अब जिस तरीके से मैंने बताया था कि सारा हेयर कट एक ही जगह से होगा, तो अगर मैं इधर आके ये हेयर कट करता हूँ और मैंने अपना पूरा सेक्शन लिया, तो क्या मैं इस तरीके से हेयर कट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट टू लॉन्ग जाना है, इस साइड से तो नहीं कर सकता। तो मेरा अगेन मेरी बॉडी लैंग्वेज सेम इसी साइड रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ से इसको जज कर सकता हूँ। होल्ड इट, राइट लाइन पहले शो, देन उसके बाद में आई शॉप, जस्ट स्लाइडिंग। ये मैं फ्लाइट से उड़ रहा हूँ मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली टू मुंबई फ्रंट पे आऊंगा, राइट। ओके, सो थोड़ा सा सीरियस मैटर चल रहा है, आई थिंक आप लोगों को या तो समझ में नहीं आ रहा या बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो दोनों में से क्या चीज है, समझ में आ रहा है? ज्यादा अच्छे से आ गया, ज्यादा अच्छे से आ गया। ओके, थैंक अ लॉट। यही चीजें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस होके कभी भी काम मत करना, बहुत इंजॉय होके जब आप ये तरीका इस्तेमाल करोगे अपने सलोन पे, तो जो ऑडियंस या जो क्लाइंट आपके बैठे होंगे वो देखेंगे यार कुछ यूनिक इनका स्टाइल है करने का। और अपने क्लाइंट से जरूर बातें करना, बिल्कुल खामोश बुत होके काम नहीं करना, ठीक है। बहुत सारी बातें करने के लिए होती है, आपको पॉलिटिक्स की बातें आनी चाहिए, आपको क्रिकेट की बातें आनी चाहिए, और आपको घरेलू बातें भी आनी चाहिए। घरेलू बातों में बड़ा मजा आता है, बहुत लंबा टॉपिक खींच जाता है, हम उसमें कलर भी कर देते हैं, उनका पेडिक्योर भी कर देते हैं, उनका फेशियल भी कर देते हैं, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती उनकी, ठीक है। टॉपिक बड़ा लंबा होता है तो हमारा पैकेज अच्छा बन जाता है उसमें। ओके, साथ साथ हेयर कट के साथ साथ बिजनेस के तरीके भी होने चाहिए थोड़े से। ओके, अगेन लास्ट सेक्शन मेरा फ्रंट का, होल्ड इट हियर एंड
चॉप 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 चॉप। अच्छा, किन बालों पे ये हेयर कट हम नहीं दे सकते? यस प्लीज बताइए, किन बालों पे नहीं दे सकते? एकदम कर्ली बालों पे और फ्रिजी हेयर पे, स्ट्रेट हेयर पे बिल्कुल दे सकते हो। स्ट्रेट हेयर पे तो ये सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि टेक्सचर भी रहेगा, मूवमेंट भी मिलेगी, ठीक है। हाँ, और वेवी हेयर पे बहुत अमेजिंग रहेगा, वेवी नॉर्मल टू वेवी हेयर पे सबसे बेस्ट हेयर कट यही है, क्योंकि विदाउट ब्लो ड्राई डेली वॉश करेंगे और हल्का क्रंच करेंगे, बहुत सॉफ्ट से वेव उनको मिलेंगे, वॉल्यूम भी मिलेगा, ठीक है। फाइन और पतले बालों पे कभी नहीं करना इसमें, जिनकी डेंसिटी ऑलरेडी लेस है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डेंसिटी को रिमूव कर रहे हैं, तो नीचे से बाल और भी पतले हो जाएंगे, राइट? ओके, तो यहाँ से बैक इज माई डन। अब आ जाते हैं हम फ्रंट पे। अब फ्रंट पे हमें क्या करना है, टेक ऑफ तो हमने कर दिया, अब लैंडिंग करनी है। ओके, स्टार्ट फॉर फ्रंट इज डिपेंड, क्योंकि मोस्टली एक हेयर कट ऐसा है फॉरवर्ड ग्रेजुएशन जो शायद हर किसी हेयर कट में हमें उसका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें शॉर्ट टू लॉन्ग को कनेक्ट करना है, ये मतलब ट्रांजिशन करनी है। चौथा और पांचवा अभी भी मैंने बताया नहीं, आप लोगों को पूछूंगा मैं, ओके, याद रखना वो। तो सेंटर फ्रंट प्रोफाइल बोथ साइड लेंगे हम, एंड गाइडलाइन हमारे पास ऑलरेडी पीछे है, जो कि यहाँ पर शॉर्ट है, और जितने मर्जी लॉन्ग हेयर ये हो, ये हेयर कट लॉन्ग से लॉन्ग हेयर पे भी आप कर सकते हो, राइट? मिनिमम रिक्वायरमेंट लेंथ ये है हमारी स्टैंडर्ड, और मैक्सिमम क्या, जितनी मर्जी लॉन्ग हो, भले ही आपको स्टूल पे चढ़ के उसको स्लाइड करना हो, कर सकते हो। आप लोगों ने देखी होगी मेरी रील वगैरह, जिसमें मैं आगे करके एक चॉप मारता हूँ, वो हेयर कट हो जाता है, क्लाइंट चिल्लाती है, फ़न करती है, और वो मिलियन मिलियन भी पहुँच जाती है। क्योंकि होता क्या है कि हेयर कट दिखाने के लिए, आर्टिस्टों को अपना वर्क दिखाने के लिए, ऑडियंस को कुछ इंटरटेनमेंट ज़रूर चाहिए, खाली बोरिंग काम नहीं चाहिए, कि अच्छा काम हुआ है, अच्छे बहुत करते हैं, सब अच्छा करते हैं, आप लोग सब अच्छा करते हो, लेकिन उसको अच्छे तरीके से दिखाना शुरू कर दो, बस आप लोगों के फॉलोवर तेज़ी से बढ़ेंगे और आप नोटिसेबल होंगे, और अगले साल इंशाल्लाह इस स्टेज पे आप लोगों में से एक दो चेहरे यहाँ पर भी खड़े होंगे। क्या बात सर, नहीं बहुत काम की चीज बताई आप सबके लिए वैसे। बिल्कुल, क्योंकि हम भी ऐसे थे, हम भी एक टाइम पे सामने बैठते थे, हमें भी ऐसा सपना होता था कि यहाँ पर आए, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, हो सकता है वो हमें नहीं पता, तो वो कल को हमें भी पता लग जाएगा ना, सारी चीज़ें हम ही थोड़ी ना है कि हम ही शेयर करते रहे, आपकी भी इतने हिडन स्किल है, वो भी लेने हैं मेरे को, ठीक है? तो प्रॉमिस करते हो आप लोग अगले साल कोई ना कोई फेस मुझे यहाँ पे नजर आएगा? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगले साल, वाव, बहुत कम है। बिल्कुल, लव यू, टोटली अप्रिशिएट, डन। हम पीछे भी है, यू आर ऑल्सो माई स्टेज, एंड थैंक यू सो मच, यू आर ऑलरेडी ऑन स्टेज। हाँ, ओके, तो अब हमें लैंड करना है, फ्रंट पे लेंगे, एंड देन स्टार्ट। गाइडलाइन हमारे पास यहाँ पे है, ये मत दिखाना बस, फ्रंट वाला, पीछे तक तो ठीक था। ओके, अगेन, अब इसको हम ओवर डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि लेंथ हमें साइडों में थोड़ी सी लॉन्ग चाहिए। So if I talk about my haircut, I am almost done at the sides and the back. Only top portion is left. हम लोग यहाँ पर एक shape create करने की कोशिश कर रहे हैं. I am keeping my finger very straight. और एक अच्छे mullet cut के लिए आपको एक shape create करना बहुत ज़रूरी होता है. Not making them very much short, not keeping very long. ओके, अब मैं दूसरी अदर साइड आया हूँ, तो यहाँ से भी सेम वही प्रॉब्लम कि मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज अभी भी यहाँ भी सेम ही रखनी है, तो यहाँ से मैं तब भी ऐसे नहीं कर सकता। ओके, अगेन मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज सेम रखनी है। सो एक अच्छे हेयर कट के लिए आपकी स्टैंडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली व्हेन इट comes to layering and all. Okay, perfect. तो आप लोगों को पता है, यहाँ पर कितने लोगों को पता है कि मैंने करण जौहर का जो एक शो आया था इंडियन हेयर ड्रेसिंग अवार्ड,
कितने लोगों ने मेरे को वोट किया था। एक्चुअली मुंबई आने का रीज़न ये भी कि मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोल सकूं कि मुझे बहुत वोट पड़े थे एंड आप लोगों की ब्लेसिंग से मुझे हराने के लिए उन्हें दूसरी तिकड़म लगानी पड़ी। ठीक है, करण जोहर बोलता है कि आई कांट जज, मुझे लगता है कि अभी उन्हें 5 साल और लगेंगे ये लोग को जज करने के लिए, राइट, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स हो गई है। तो आप लोगों की ब्लेसिंग से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और आप लोगों ने इतना वोट किया मेरे को, तकरीबन स्टार्टिंग के 8-10 दिन तो मुझे टॉप से कोई हिला भी नहीं पाया था, जबकि मेरा सिर्फ एक सलोन है और आप लोगों का प्यार है बस, और कोई नहीं है, राइट। इसी प्यार की वजह से बहुत ही अच्छे वोटिंग भी मिले एंड वहाँ पर भी, इनफैक्ट जब वहाँ पे शो था तो जब मैं स्टेज पे आया तो प्यार करने वालों के शोर बहुत गूंजा वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का प्यार है। और नाउ दिस इज़ ए क्रेजी जैजी लोग जो अभी नज़र आ रही है, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं मेरे इंस्पायर हुआ था इस हेयरकट से, दीपिका पाडुकोण कॉकटेल मूवी के अंदर जब वो क्लब में जाती है एक ग्लासी दो ग्लासी, जब उसके मल्टीपल लेयरिंग एंड हैवी बाउंसी, तो वो लुक से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। तब मैंने ये प्लान किया कि आई डू दिस टाइप ऑफ हेयर कट एंड इनको देख के भी लगा कि आज दीपिका पाडुकोण का दूसरा एक वो रूप बनाया जाए। ओके लाइक यहाँ पे हम थोड़ा ट्राई करते क्विकली, टोंग दे देना, so I'm following my guideline which is at the center only. सबसे पहले हेयर को रिमूव करवा देना कंडीशन के बाद में। अभी वेट कैसा लग रहा है आपको कि आपकी लेंथ कम हुई है, चेक कीजिए, नहीं ना। अब ये वेट कल जब जिम जाएंगे जब वेट करेंगे तो वहाँ पे कम लगेगा, कम से कम आधा केजी तो कम लगेगा ही। ओके, सो 5 मेथड में से 3 बता दिए थे, 2 और कौन बताएगा? जो बताएगा उसको एक बंदे को मैं अपने वेगा स्टॉल पे बुलाकर एक बहुत ही अमेजिंग सा गिफ्ट देने वाला हूँ, लाइक दिस, ओके, जो मेरा फेवरेट है। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन एंड 4th एंड 5th आपको बताइए। So I'm using Vega Professional का 2800 वॉट ड्रायर, बहुत अमेजिंग एयर भी है, हीट भी है एंड क्विकली ये प्रोसेस को डन भी कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब आप फॉरनर लोगों की क्लास लेने जाते हो लॉरियल में, शॉस्कॉप में, वेला में, कहीं पे भी, जब उसमें मॉडल के ऊपर चॉप होता है तो जान किसकी निकलती है, सामने वाले बैठे ही ऑडियंस में, इतने लंबे कट गए, राइट, ऐसे फील होता है। आज कैसा फील हो रहा था? डर नहीं लग रहा था ना, क्योंकि हमने जो उनसे प्रॉमिस किया था वो चीज़ें हम मेंटेन करके चल रहे थे, नहीं तो वहाँ पे क्या होता, सीधा इतना चॉप मारते थे उसके बाद स्टार्ट करते कि आई डू द न्यू हेयर कट, राइट। टोंग तैयार करो, बैरल, गरम, ओके ओके, जस्ट नीड माई हेयर ताकि मैं बैरल के साथ में दिखा सकूँ, अदरवाइज इस हेयर कट के अंदर हमें मोस्टली ब्लो ड्राई की भी नीड नहीं होती, अगर होती है तो हमारी जो गर्ल्स का फेवरेट एक हॉबीज होती है रस्सा टापने वाला, हम उस तरीके से इसे ड्रायर करते हैं, लाइक दिस, कट किया एंड ट्विस्ट किया एंड ड्रायर, तो उससे क्या होगा, जो भी आपने टेक्सचर क्रिएट किया है वो यहाँ पे सॉफ्ट कल के वे में नजर आना शुरू हो जाएगा, बट यहाँ पे हम टोंग के साथ करने वाले हैं। एक सेकंड, आगे आके बना लो, यहाँ पर आके बनाओ,
ओके, तो फाइनल स्टेप ट्रांजिशन के बारे में, शॉर्ट टू लॉन्ग को कनेक्ट करना। और जैसे मैंने बताया था कि एक हेयर कट ऐसा है जो कि फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, जहां पर हमें हर हेयर कट के अंदर थोड़ी बहुत उसकी नीड होती है। तो नाउ उसी डायरेक्शन में हम उसको सिर्फ कनेक्ट करेंगे ताकि वो इवन लगे। ओके, अच्छा ये बताइए कि एक क्वेश्चन है आपका कि नसीम सलमानी जो है वो कितने साल के हो गए हैं? ये टफ क्वेश्चन हो गया थोड़ा, ये टफ क्वेश्चन हो गया थोड़ा। हाँ, क्योंकि ये प्राइस वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कितने साल का हो गया हूँ या मेरा बर्थडे कब आता है ये बता दीजिए। और बर्थडे कब आता है? हाँ, हाँ जी, 40, स्वीट 40 या नोटी 40, 35 और 38, ट्वेंटी, नहीं नहीं इतना ज़्यादा नहीं। ओके, जो मेरा बर्थडे है वो हर साल एक ही डेट को आते हैं, वो तो सभी के आते एक ही फेस्टिवल वाले दिन आते हैं। आप बताइए, महासंक्रांति, मकर संक्रांति? तो सर नागपंचमी के दिन पैदा हुए थे। कौन से नागपंचमी के दिन? वो कब आता है उसका? तो आई थिंक हर साल चेंज हो जाता है। उसका जवाब आप देंगे हमें। नहीं नहीं, हर साल फेस्टिवल वाले दिन ही आता है और एक ही फेस्ट और उसी डेट को आता है फेस्टिवल वो भी। यस, सो हमारे इंडिया में एक आम से 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है बिलीव। वो फेस्टिवल है? वो तो फेस्टिवल नहीं है, फेस्टिवल है। अच्छा एक और हिंट दे देता हूँ, वो मोस्टली पंजाब में फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सी डेट को आता है? अच्छा ये बताइए, मुंबई में पूछ रहे हैं आप? 15 अगस्त को? हाँ, 20 जनवरी? नहीं, हाँ जी, 26 जनवरी? 14 जनवरी? नहीं, 13 जनवरी। गूगल पे देख लिया होगा। अच्छा गूगल तो हो गया होगा, गूगल पे ये सर्च के देखो नसीम का बर्थडे कब आता, ऐसा आता है क्या? लोड़ी का तो आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं वर्टिकल टोंग ले रहा हूँ, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। लवली, क्लैम को ऊपर करते एक सेक्शन में, एक क्लैम को नीचे करते दूसरे सेक्शन में। एंड ओके, तो 13 जनवरी किसने बताया था? ओके, आप मेरे वेगा के स्टॉल पे आना, आपके लिए गिफ्ट रेडी है, ठीक है? बहुत ही मिनिमम सेट में आपको कंप्लीट करना है अपना, लाइक ए ब्लो ड्राई टोंग, जिस तरीके से मैंने सेक्शन लिए थे उसी तरीके से पूरा अगेन वही पैटर्न पे। ओके, मेंस हेयर कट कौन कौन करते हैं यहाँ पे? आप लोग करते हैं, कौन सा क्लिपर ट्रिमर यूज करते हो आप लोग? अजबा, वेगा प्रोफेशनल कौन सा यूज करते हैं? वेगा का प्रो स्टार, वाओ। So we are launching a one more clipper which is going to rock the market of Indian hairdressing.
मेंस हेयर ड्रेसिंग इफ आई टॉक अबाउट बाय द नेम ऑफ प्रो वेक्टर 2.0 which is going to be a super powerful clipper. टेक्सचर और जैजी हेयर कट के अंदर सबसे प्लस पॉइंट क्या है वहाँ पर हमारा बहुत ही मैसी और काफ़ी जैजी लुक नज़र आती है और वो हर किसी के प्रोफेशनल पे नहीं जाता हेयर कट, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखना है आपको किस तरीके से वो कैरी करती है गर्ल्स स्टाइल को। Oh my God. Okay. तो यहाँ पे तो आप लोगों से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चल रहा कितनी बातें करते हैं आप लोग। ये होता है क्या बोलते हैं इस कहावत को, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब चोर कौन है आप मुझे चोर बता रहे हैं। हाँ ये बोलते हैं जो बोले वही कुंडी खोले। So I'm using little bit of hair wax over here on the top specially. And will create a lots of mess. Will assure कि सारे बालों में product लग जाए किसी भी तरीके से। Okay. ओके सो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे वोट किया इतने प्यार करने के लिए और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी स्टोरी बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों के खूबसूरत चेहरे एनर्जी के साथ मुझे नज़र आए। मुँह नहीं धोया, शेर का भी मुँह धोता है नहीं राइट? तो शेर का भी मुँह नहीं धोता और अब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों के अंदर मुझे एनर्जी चाहिए, स्पेशल फॉर यू ब्रदर, यू आर लुक सो हैंडसम लाइक ऋतिक रोशन, ठीक है। ओके सो आर यू एनर्जेटिक, तो अपने फ़ोन निकाल लीजिए फटाफट और फ्लैश लाइट दिखाइए मुझे जल्दी से। आई थिंक सभी के पास फ़ोन होंगे और नसीम सलोन अकेडमी एंड वेगा प्रोफेशनल को भी आपने फॉलो कर रखा होगा, लव यू। फटाफट अपने फ़ोन निकाल लीजिए ताकि आप लोगों के खूबसूरत चेहरे मुझे भी नज़र आ जाए। ओके यस, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे को, क्या कहना चाहते हैं बताइए। आपको बोलना है चेंज द टूल चेंज द गेम, चेंज द टूल चेंज द गेम, यानी कि वेगा प्रोफेशनल का एक टैग लाइन है। आपने टूल चेंज करे, एडवांस में जा रहे हो, अपग्रेड हो रहे, इसकी टैग लाइन है चेंज द टूल चेंज द गेम। ओके 1 2 3 चेंज द टूल Change the game. Change the tool. Change the game. Change the tool. Change the game. Change the tool. Change the game. Okay, one more. We love Vega. We love Vega. अब यहाँ से मुझे शोर चाहिए। 1 2 3 start. एंड तक आवाज आनी चाहिए। We love Vega. Love you all. Love you all. Thank you so much. ये स्टोरी मेरी सबसे फेवरेट बनी है आज के लिए। And now I presenting my look
लुक इट डाउन ऑल हियर सारे हियर आगे कर लीजिए चश्मे लगाया घुमाना है पक्का हाँ चश्मे लगाने से याद आया कि अच्छा टॉपिक दिया है जब मैं मार्केट जाता हूँ किसी मॉल जाता हूँ जहाँ पे मेरे आप जैसे प्यार करने वाले मिल जाते हैं तो कोई लेडीज़ के साथ में कोई लड़की होती है वो कहती है मम्मी इसको जानते हो मम्मी कहती कौन है ये वो है जो लड़की घुमाता है लड़कियों को घुमाता है ठीक है कोई कोई ये बोलता है ये वो है जो दो दो लड़की घुमाता है ठीक है और कोई कोई तो ये बोलता है कोई पूरी फैमिली घुमाता है तो ये आइडेंटिटी अच्छी है आइडेंटिटी नहीं ना लेकिन उनका वे बहुत अच्छा है क्योंकि वो चीज़ नोटिस कराता है और मेरी वाइफ को ऐतराज़ नहीं है तो फिर किसी को भी ऐतराज़ नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ ही जितने सॉन्ग लगवाती है वो वही है ठीक है सॉन्ग कहते ये लगाओ अखियों से गोली मारो या कुछ ठीक है इतना ट्रस्ट बनाना होता हमारे अपने काम को करने के लिए ओके Okay, we have a lighter? No. You have a lighter? No. Anyone have a lighter? हाँ Yes, कभी कभी ऐसा हुआ है जब तुम वॉशरूम में गए और किसी ने चिल्ला के बोला मम्मी वॉशरूम में आग लग गई है पता चला अंदर तो भैया सिगरेट पी रहे थे धुआं निकल रहा था ओके तो अब बालों में आग लगा के दिखाएंगे सर नहीं नहीं बालों में हाँ ओके वन शॉट में आप ऊपर करिए सारे बाल वाओ आई लविंग आई होप यू लाइक इट ओ माय गॉड यू लुक सो हॉट ओके खड़े हो जाइए आप ये चेयर को पीछे कर लीजिए फटाफट यूट्यूबर एंड नाउ ओके This is for you. Thank you so much. आ जाओ आगे Walk. Woo. Wait. हम दोनों चलेंगे साथ चश्मा किधर गया चश्मा हम वॉक में लगाएंगे ओके Yes, it's good. The bottom boy. Yes, yes, loving. Yes. Thank you, sir. Why music got stopped? So hope you like okay, that आगे से एक वीडियो बनाना थैंक यू सो मच आइए गॉड ब्लेस यू ऑल पब्लिक की डिमांड है आपको घुमाना पड़ेगा मेरे को ओके यस म्यूजिक प्लीज ओके यहां से स्टार्ट है हियर एंड टर्न अराउंड दिस इज लोग थैंक यू सो मच लव यू ऑल Thank you. Okay. सारे टूल्स. So thank you again, lovely audience. एक बार और, one more. Okay, यहाँ पे आइए. ठीक है. अभी आपको फिर एक राउंड नहीं करने पड़ेंगे, दो करने पड़ेंगे. ठीक है. You can start for here and. Turn around the there and here and like this. Okay? Start करें अब आपको रील बनानी है तो बना लीजिए ओके वन टू थ्री स्टार्ट हियर एंड लाइक दिस चलिए वॉक Thank you everyone. Lovely. Okay. मैं नीचे ही आ रहा हूँ ताकि स्टेज पे दूसरे भी आ सके हाँ मैं नीचे ही आ रहा हूँ आप लोगों के लिए हाँ
आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, नीचे आ रहा हूँ।